पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। जय भारत माता की। जय पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। जोनल वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीडीपी रियासी, हम तहसीलदार साहब के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। मैंने बहुत से लोगों की कंप्लेंट, तकरीबन रोज कोई दिन खाली जाता होगा जिस रोज कोई कंप्लेंट नहीं तहसीलदार साहब के खिलाफ कोई, या तो वो ऑफिस में नहीं होते हैं या कहीं पे कहीं ना होते, लोग आते यहाँ पे हरास होते हैं, पूरा दिन जाके बेकारी में अपना बहुत सारा दिन इधर जाया करके जाते हैं। और बड़े अफसोस की बात मुझे करता है, इतने बड़े रैंक का ऑफिसर अपने ऑफिस में अंजाम ड्यूटी को अंजाम ना दे। ये मेरे लिए और जी एंड के की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। हालांकि हम भी खुल रूलिंग पार्टी के बाद साथ चलते हैं, लेकिन इस बात जब हम सुनते हैं तो मुझे रोना आता, अपने आप पे रोना आता। मैं कहाँ, किस स्टेट में कहाँ पे खड़ा हूँ। दूसरी बात ये, जब कभी कभार वो खुशकिस्मत इंसान तहसीलदार साहब के ऑफिस में घुसता है अपने काम के लिए, उसके लिए वो लक्की दिन होता, वो खुश नसीब दिन होता उसके लिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब वो अंदर पहुँचता है तहसीलदार साहब कहते हैं चलो बाहर निकलो। क्यों? मुझे इस बात का तहसीलदार साहब से जवाब लेना है कि वो क्या, वो ये बताएं मेरे को, ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है? उनको गवर्नमेंट ने किस लिए डिप्यूट किया हुआ है यहाँ पे, लोगों के काम करने के लिए या अपने मफाद के लिए? ये बात मैं तहसीलदार साहब से इस बात का जवाब लेना चाहूंगा। और ये मेरा मकसद, अगर यहाँ पे हमारे लोगों की खिदमत करने के लिए हमने पार्टी को यहाँ पे रखा हुआ है, स्टैंड किए हुआ है, तो मेरे ये मैं कहूँगा, ये तहसीलदार साहब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी सुधर जाओ, अभी भी अपने आप को मोल्ड करो। आप अपने आप को टॉपर बोलते हो, अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट बोलते हो। गोल्ड मेडलिस्ट का क्या है? ही इज द ब्रिलियंट। लेकिन उसकी जो ब्रिलियंट का मतलब है, उसकी चमक होती है, उस चमक को लोगों को फायदा पहुंचाओ, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट में रहो। रामेश्वर सिंह वजीर कटरा से और पीडीपी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। जैसे हमारे नरेंद्र जी ने अभी बोला कि जो तहसीलदार जी यहाँ पे बैठे हैं ये काम नहीं करते, बाकी ये लोग जो इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये रोज आते हैं काम करवाने के लिए, तहसीलदार यहाँ बैठे हैं, वो क्या करते हैं अपना वीडियो लेकर व्हाट्सअप करते रहते हैं, कोई अंदर चला जाए तो फाइल फेंक के देते हैं, उसे मुँह पे मारते हैं। क्यों फाइल फेंक के देते हैं तहसीलदार साहब? इनकी मेंटालिटी ऐसी है, काम करना है। जो गवर्नमेंट इनको अगर केस किया उन्होंने, तो गवर्नमेंट ने जॉब दी है इनको, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है इनको, सैलरी किससे जा रही है? जो हम लोग टैक्स पेड करते हैं। इनका काम होता है, इनका फर्ज होता है कि ये लोगों का काम करना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए, इसलिए तो यहाँ बिठाए हुए हैं ये। मैं अभी हम पेपर में भी दिया था, हम डीसी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, स्थानीय विधायक जी हैं जो नंदा जी, उनको भी बोला हमने, उन्होंने भी यही बोला कि हमको एक्शन लेंगे। मैं गवर्नमेंट को ये आगाह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, अगर नहीं होगा हम फिर एक दफा एजिटेशन करेंगे, रोज धड़ में बैठेंगे।